किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ है और गौनिका ने बताया कैसे केंद्र को फटकार लगाई गई है, हम कानून पर रोक लगा सकते हैं, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। गौनिका, इस बारे में क्या डिटेल आपके पास? देखिए, बिल्कुल, कोर्ट ने ये तकरीबन कहें तो साफ ही कर दिया है कि वो इस मामले पर स्टे लगा देंगे, कानून को लागू करने पर स्टे लगा देंगे, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया था केंद्र सरकार से कि आखिर आप क्यों नहीं चाहते हैं कि इस मामले पर स्टे लगे। उस पर सॉलिसिटर जनरल ने रिप्लाई किया था कि सिर्फ कुछ ग्रुप जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके चलते जिन लोगों को इन कानूनों से फायदा हो रहा है हम उनका नुकसान नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन कानूनों पर स्टे नहीं लगा सकते हैं। और इस पर पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने पूछा था, लेकिन तब भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट यानी कि सीजीआई ने यह साफ कर दिया है कि हम इस मामले पर स्टे लगा देंगे, कानून को लागू करने पर स्टे लगाया जाएगा। और क्योंकि प्रोटेस्ट को शिफ्ट करने की लगातार बार बार बातचीत चल रही है, ऐसे में कोर्ट ने यह कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस प्रोटेस्ट को शिफ्ट कर देंगे, कई लोगों को तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर चिंता है, किसी जो हिंसा है वो किसी तरह की तरीके से ना हो पाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा अगर कहें तो उसकी साइट को थोड़ा से चेंज कर दिया जाए, पूरे तरीके से वो नहीं चाह वो ये आदेश नहीं देना चाह रहे हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट को शिफ्ट कर दिया जाए, और लेकिन वो इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी तरीके की कोई वायलेंस ना हो, किसी तरह का कोई खून खराबा ना हो, इसी बात का डर है कोर्ट को। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी चिंता जाहिर की है कि इतनी ठंड है उसके बावजूद तमाम जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो इन प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं, उसके बावजूद कोई हल नहीं निकल पा रहा है, लेकिन कोर्ट अब इस बात पर जोर दे रहा है कि ये जो कानून है, तमाम कृषि कानून जिन पर किसानों को आपत्ति है, जिन पर तमाम किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर कोर्ट स्टे लगा देगा, कानून को लागू करने पर स्टे लगेगा, और उसके बाद जो कमेटी कोर्ट की तरफ से बनाई जाएगी वो कमेटी इस पूरे मामले पर डिस्कशन करेगी, वो कमेटी किसानों से भी बात करेगी, वो कमेटी केंद्र सरकार से भी बात करेगी, दोनों का पक्ष जानेगी, और उसके बाद जब किसी नतीजे पर पहुंचेगी और कोर्ट को रिपोर्ट देगी तो उसके बाद कोर्ट इस मामले पर फैसला लेगा कि आखिर क्या इन कानूनों पर जो रोक अगर लगाई आज तो वो लोग जो है वो लगी रहेगी, या फिर ये कानूनों को पर जो इन कानूनों को वैसे ही लागू कर दिया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार चाहती है, या फिर इन कानूनों में कुछ बदलाव कर दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह कानून जो है वो इस जो किसान है वो इस बातों पर अपनी इसी बात पर अड़े हुए कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए तो उसके बाद ही ये पूरे प्रोटेस्ट जो है वो खत्म होंगे, ऐसे में कोर्ट ने इस बात पर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि सरकार क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करना चाहती है, लेकिन किसान ये चाहते हैं कि सारे जो तीनों कानून है उन्हें वापस लिया जाए, ऐसे में जो बैठकें हो रही है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हुई नहीं दिख रही है, कई बैठकें हो चुकी हैं, तमाम जो नेगोशिएशन सरकार रख रही है उनके सामने वो उन्हें मंजूर नहीं हो रही है, इसलिए कोर्ट यही चाह रही है कि एक कमेटी जो कोर्ट की तरफ से बनाई जाएगी वही इस मामले पर डिस्कशन करेगी और वही इस मामले पर दोनों पक्षों से बात करेगी और किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ऐसे में कोर्ट ने इन तमाम जो लॉज हैं उन पर रोक लगाने का एक तरीके से कहें तो पूरे जो है हिंट दे दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि जो कानून जो तीनों लागू हुए हैं जिस पर किसानों को आपत्ति है उन पर कोर्ट रोक लगा सकता है, और तमाम जो कंसर्न्स है वो कोर्ट की तरफ से इस सुनवाई में जो है वो यानी अभी तक की कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक बड़ी बात हम यही कह सकते हैं कि कोर्ट ने साफ कह दिया है सरकार को कि कानून को अमल पर लाने पर जोर ना दें बल्कि समाधान की ओर बढ़ें। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट संवैधानिकता की तरफ नहीं बढ़ना चाहता है कि आखिर इन कानूनों में क्या है, ये कानून जो है इनकी संवैधानिकता क्या क्या है, इसके इससे किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, कोर्ट इस मामले में डिस्कशन नहीं करना चाह रहा है, डिटेल्ड डिस्कशन कोर्ट इस मामले पर नहीं चाहता है, ऐसे में कोर्ट सिर्फ इस बात पर चाहता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट किसी तरह की हिंसा को बढ़ावा ना दे, जो लोग हैं कि लोग उनको तकलीफ ना हो, ऐसे में जो किसान जो कि कोर्ट में इस वक्त आकर याचिका लगा रहे हैं वो भी अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका भी जो प्रोटेस्ट है वो किसी नतीजे पर पहुंच पाए, और इसी बात पर कोर्ट ने बार बार जोर दिया है, और इसीलिए केंद्र सरकार से लगातार पूछा है, पिछली सुनवाई में भी कहा गया था, तब भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगली जो बातचीत होनी है हम उसमें देखेंगे कि कोई हल निकले, कोर्ट ने तब भी वक्त दिया था, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने आज जब सुनवाई की है तो कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हल नहीं निकल पा रहा है, कोर्ट ने निराशा जताई है केंद्र सरकार से और यह कह दिया है कि हम इन कानूनों पर रोक लगा देंगे। दूसरी बड़ी खबर आपने ये साफ बताई कि अब चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि जिस तरीके से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है वो उससे खुश नहीं है। अब क्या एक स्पेशल कमेटी का गठन की बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो दोनों पक्षों को बराबर सुनेगी?
देखिए बिल्कुल, पहले भी कोर्ट ने ये बात कही थी, जब सबसे पहले इस मामले पर सुनवाई हुई थी तब भी कोर्ट ने ये कहा था कि हम इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जिसमें तमाम एक्सपर्ट जो कि कृषि से जुड़े हुए, इसके अलावा कानून से जुड़े हुए ये जो तमाम एक्सपर्ट्स होंगे वो इस कमेटी में होंगे। तब ये सिर्फ सजेशन दिया गया था सीजीआई की तरफ से, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया गया था। लेकिन आज कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी ही इस मामले पर डिस्कशन करेगी, दोनों पक्षों को सुनेगी जिसमें किसान और केंद्र सरकार शामिल है, दोनों पक्षों से बात की जाएगी और वही कमेटी इस बात पर डिसाइड करेगी कि ये जो कानून है ये किसानों के फेवर में है या फिर किसानों के खिलाफ है। और दोनों कमेटीज जो है वो अलग अलग गुटों से बात करेगी, फिर चाहे वो उसमें जो किसान यूनियन के तमाम लोग हैं, जो तमाम 40 नेता बैठक में पहुंचते हैं वो उस कमेटी उन सबसे बात कर सकती है, केंद्र सरकार के जो तमाम नेता तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर सकती है। और ऐसे में यही कमेटी एक तरीके से कहें तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो कि इस मामले पर डिसाइड करेगा कि अपनी रिपोर्ट इस मामले पर दोनों पक्षों से चर्चा करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। हालांकि ये अभी सीजीआई की तरफ से कहा गया, लेकिन क्योंकि अभी मामले की जो तमाम याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई चल रही है, ऐसे में अभी एक फाइनल ऑर्डर नहीं आया है कोर्ट की तरफ से। जिन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है उसी के बारे में हम गौनिका और आपसे डिटेल जानना चाहेंगे। ठंड में बैठे महिलाएं और बुजुर्ग, उनको लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? क्या कोर्ट ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाए कि आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? बिल्कुल, कोर्ट ने ये सवाल उठाया है कि आखिर वो प्रोटेस्ट में क्यों आ रहे हैं, उन्हें क्यों आने दिया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि खैर इस पर बाद में बात होगी, लेकिन जो मुख्य बात है वो प्रोटेस्ट को लेकर है, जो तमाम नेगोशिएशंस हैं उसे लेकर है। लेकिन कोर्ट ने चिंता जरूर जाहिर की है, क्योंकि पहले भी कोर्ट ने ये चिंता जाहिर की थी कि इतनी दूर से इतनी संख्या में किसान, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इन प्रोटेस्ट में आकर बैठे हैं, ऐसे में इतनी ठंड है, बारिश है, मौसम बदल रहा है, ऐसे में उन्हें जाहिर तौर पर उनके लिए चिंता कोर्ट ने जाहिर की है। कोर्ट ने ये कहा है कि आखिर वो इस प्रोटेस्ट में क्यों आ रहे हैं, इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया, लेकिन उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की है। उस पर यही कहा है कि खैर इस चीज को बाद में देखा जाएगा, अभी जो इस मामले का सोल्यूशन है उस पर बात की जाए कि आखिर इस मामले का हल कैसे निकल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो 8 दौर की बैठक हो गई है वो 8 दौर की बैठक एक तरीके से कहे बेनतीजा निकली है। जो मुख्य मांगे थी किसानों की वो केंद्र सरकार नहीं मानना चाह रही है और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो बैठकें आगे भी होंगी वो भी ऐसा लग रहा है कोर्ट को कि किसी नतीजे पर होती नहीं दिख रही है, क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि कोर्ट भी लगातार सभी चीजों पर नजर बनाए हुए, तमाम रिपोर्ट्स कोर्ट की तरफ से पढ़ी जा रही है, फिर चाहे वो मीडिया में हो या किसी भी रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने आ रही है, वो सारी रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने रखी गई है। तो वो रिपोर्ट्स को देखकर भी कोर्ट ये कह रहा है कि सभी पक्ष तकरीबन एक तरीके से कहें कि यही कह रहे हैं कि कोर्ट इस मामले पर डिसाइड करेगा। तो अगर कोर्ट को ही फैसला लेना है तो क्यों नहीं कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बना दी जाए। तो ये बिल्कुल एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्योंकि मामले एक सवाल ये भी है कि लगा सकता है। सबसे बड़ी बात है ताजा हालात को लेकर जो कोर्ट संज्ञान ले रहा है, हालात बदतर होते जा रहे हैं। कोर्ट में जब इस बात का जिक्र हो रहा है ताजा हालात को लेकर, तो क्या इस प्रोटेस्ट की जगह को शिफ्ट करने को लेकर भी कोई खबर आ रही है? देखिए, कोर्ट ने ये साफ कहा है कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस प्रोटेस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एक सोल्यूशन निकल सकता है, अगर कहें कि एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि अगर रोड के दोनों तरफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस चीज को साइड को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए, रोड के एक तरफ प्रोटेस्ट हो जाए ताकि वो एक रोड खुल सके। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर सुरभि मैं बता रही हूं। तो कोर्ट ये नहीं चाह रहा है कि आप प्रोटेस्ट की पूरी साइड को शिफ्ट करें, लेकिन अगर उसे हल्का सा उस साइड से कहीं थोड़ा सा शिफ्ट किया जा सकता है तो वो कर दिया जाए। पूरे तरीके से कोर्ट ने प्रोटेस्ट को शिफ्ट करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि जो पहली याचिका कोर्ट में लगाई गई थी ऋषभ शर्मा, जो कि एक उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है तमाम बॉर्डर्स पर हो रहा है, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए कहा जाए। लेकिन कोर्ट, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करना वो हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, ऐसे में कोर्ट ने इस प्रोटेस्ट को शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है और तब भी नहीं कहा था, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि जब तक कोई भी प्रोटेस्ट बिना हिंसा के हो वो प्रोटेस्ट संवैधानिक दायरे में आता है, और क्योंकि किसानों का जो प्रोटेस्ट है दिल्ली एनसीआर के तमाम बॉर्डर्स पर चल रहा है उसमें किसी तरह की कोई हिंसा फिलहाल नहीं देखी गई है। हालांकि रेवाड़ी में कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे। सबसे बड़ी बात जो अभी तक निकल कर आ रही है कोर्ट से गौनिका, वो यही कि कोर्ट साफ कह रहा है कि हम कानून वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप मामले को कैसे संभाल रहे हैं और क्या ये मामला बातचीत के जरिए सुलझ सकता है या नहीं। The
देखिए बिल्कुल हरीश सालवे जो पेश हुए हैं उनका ये कहना है कि अगर कोर्ट इस तरह का कोई ऑर्डर पास कर रहा है कि अगर जो कानून लागू किए गए हैं उन पर रोक लगा दी जाती है तो फिर फार्मर्स को अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देना चाहिए। जिस पर सीजीआई ने ये कहा है कि सिर्फ एक ऑर्डर से हम हर चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं, किसानों को कमेटी से बात करने दीजिए और जो कोर्ट है वो ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा कि सिटीजन्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है या सिटीजन्स प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा और कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि स्थिति खराब ना हो। ये देखिए प्रोटेस्ट तो चल रहा है लेकिन कोर्ट ने ये भी चिंता जाहिर की है कि स्थिति खराब ना हो। कोर्ट नहीं चाहता है कि किसी के भी हाथ में खून लगे, वो चाहते हैं कि सारा प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी भी तरह का कोई जो शांति है वो ना बिगड़े। ऐसे में कोर्ट ये चाहता है कि प्रोटेस्ट की अगर साइट को थोड़ा सा अगर वहां से किसान हट जाए, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए, पूरे तरीके से प्रोटेस्ट को शिफ्ट करने की बात कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं कही है। इसके अलावा जो तमाम बाकी और पिटीशंस हैं उन पर फिलहाल सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनली अगर सुनना है तो बाद में सुनेंगे। अभी कोर्ट इस मामले की संवैधानिकता में नहीं जाना चाहता है। कोर्ट अभी सिर्फ इस मामले पर सिर्फ उसी बात पर स्टिक रहना चाहता है। ये जो तमाम याचिकाएं आई हैं जिसमें खास तौर पर प्रोटेस्ट को लेकर के प्रोटेस्ट को वहां से हटा दिया जाए या फिर जो किसानों और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है, कोर्ट सिर्फ उसी बात पर स्टिक रहना चाहता है। कोर्ट इस मामले की संवैधानिकता में फिलहाल नहीं जाना चाहता है क्योंकि अगर किसी कानून की संवैधानिकता पर बात होती है तब उस मामले पर बेहद ही डिटेल्ड सुनवाई होती है और लंबी सुनवाई कहें तो 2 से 3 महीने या 4 महीने भी ये सुनवाई चलती है। इस बारे में आपके पास जानकारी क्या, अब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट का फैसला सामने आ सकता है? देखिए बिल्कुल जो तमाम बाकी दूसरे पक्ष की तरफ से भी वकील हैं उनका भी ये कहना है कि वो इस फैसले का स्वागत करेंगे अगर कोर्ट इन कानूनों को जो लागू किया गया उन पर अगर स्टे लगा देता है, यानी कि अभी ये कानून लागू ना हो तो बाकी के जो पक्ष या कि दूसरे विपक्ष के जो वकील पेश हुए हैं उनका ये कहना है कि वो इस मामले में जो है वो इस कोर्ट का जो फैसला है वो मानेंगे। हालांकि जो बातचीत का है, जो कमेटी की बात आपने कही, कोर्ट ने अभी हिंट दे दिया है कि कमेटी इस मामले में गठित कर दी जाएगी और ही कमेटी दोनों पक्षों से बात करेगी। कमेटी में तमाम एक्सपर्ट्स होंगे जिसमें कानूनी जानकार भी होंगे, जिसमें कृषि के भी जानकार होंगे और इससे पहले भी कोर्ट ने यह कहा था लेकिन तब फैसला नहीं आया था कि कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन अभी कोर्ट ने एक तरीके से कहें तो ऑर्डर से पहले जो बात अपने ऑब्जर्वेशन में कही है उसमें कह दिया है कि कमेटी गठित की जाएगी, वो कमेटी ही इस मामले पर दोनों पक्षों से बात करेगी और एक रिपोर्ट, हालांकि वो बातचीत कितनी लंबी चलेगी ये कहना भी अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जब बाग का मैटर था, एनआरसी का मैटर था, तब भी ऐसा ही हुआ था कि एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में जो 2 लोग थे उन्होंने जाकर वहां के लोगों से बातचीत की थी और उसके बाद कोर्ट से आकर कोर्ट को आकर रिपोर्ट दी थी लेकिन तब भी कोई हल नहीं निकला था। हालांकि कमेटी की बात इसलिए भी क्योंकि कोर्ट ने इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं गौनिका कि आपने कानून बनाने से पहले किससे सलाह मशवरा किया, ये सबसे बड़ी बात आज कोर्ट ने सरकार के सामने रखी है और जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हल की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो विवादित बिंदु है पूरे कानून को लेकर उस पर बातचीत के जरिए आप किस सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये कोर्ट ने सुनवाई जब शुरू हुई थी तब भी कहा कि आप सभी जो राज्य हैं, तकरीबन अधिकतर राज्य जो हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में आपने किससे इस मामले में सलाह ली थी, कौन सा कंसल्टेटिव प्रोसेस था जो आपने फॉलो किया था। और सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से ये भी कहा है कि हम ये कहते हुए हमें दुख हो रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले को सॉल्व करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाई है और आपने एक ऐसा कानून बना दिया है जो किसी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है, किसी तरह का कोई कंसल्ट किसी से नहीं लिया गया है और आपको ही ये जो स्ट्राइक है इसे सॉल्व करना होगा क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो पेश हुए हैं उन्होंने ये कहा था कि जो पिछली सरकार थी उनके तरफ से जो कमेटीज बनी हुई थी उसी से जो डिस्कशंस में जो रिजल्ट्स निकल कर सामने आए थे, जो सजेशंस थे उनके द्वारा ही दिए गए सजेशंस के आधार पर इन कानून को बनाया गया है। लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया है कि पिछले सरकारों की बात आप ना करें, आप सिर्फ अभी की बात करें कि आपने ये ताजा हालात को लेकर बात करें। गौनिका, अलग अलग याचिकाओं पर ये सुनवाई जारी है, आप अंदर भी नजर बनाए रखें, आपसे और अपडेट में लूं। उससे पहले मैं एक बार सिंगू बॉर्डर का रुख करना चाहूंगी। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। भास्कर, अभी जो सुनवाई चल रही है कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या कहना है किसानों का, क्योंकि यहां अगर कमेटी की बात होती है तो जाहिर सी बात है कमेटी के सामने दोनों तरफ से पक्ष रखा जाएगा।
देखिए कमेटी बनाने की बात सरकार के द्वारा भी की गई थी, जिसको सिरे से खारिज कर दिया किसानों ने। वो अपनी मांग पे अड़े थे कि तीनों कृषि कानून जो है उनको वापस लीजिए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कमेटी की बात पे बहुत ज़्यादा खुश और उत्साहित ये लोग होंगे। हाँ, लेकिन कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, CJI के द्वारा जो कुछ भी सरकार को कहा गया है, या जो किसान कह रहे हैं कि इस कानून को बनाने से पहले हमसे पूछा नहीं गया, हमसे राय नहीं ली गई, एक तरह से वही बात कोर्ट में कही गई, ये इनके पक्ष में है। इस बात को लेकर ये लोग खुश हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सुनवाई पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है उसके हिसाब से। अगर इस कानून पर स्टे लगा भी दिया जाता है तो भी आंदोलन ये अपना जारी रख सकते हैं, कमेटी के सामने अपना पक्ष भी रख सकते हैं, लेकिन उस बात की अश्योरेंस कैसे मिलेगी कि आम लोगों के लिए इस रास्ते को ये खाली करने को तैयार हो जाएंगे? देखिए, दो चीज है। किसान वेरी फर्स्ट डे से ये क्लियर कर चुके हैं कि बात कुछ भी हो, जब तक वापस नहीं होता तब तक हम आंदोलन शिफ्ट नहीं करेंगे और खाली नहीं करेंगे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार दबाव में तभी आई है जब से ये सिंघू बॉर्डर या दिल्ली के तमाम जितने भी बॉर्डर हैं उनको बंद करके ये लोग बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो शिफ्ट करने की दिशा में किसान तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि यहाँ से शिफ्ट हो जाए, चाहे इस कानून को फिलहाल रोक इस पर लगा दी जाए। और जहाँ तक बात यह है कि सरकार के स्तर से ये पहले ही कोशिश की जा चुकी है कि हम एक कमेटी इस पे बना देते हैं और उसके बाद जो भी फैसला आता है वो हम करेंगे, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया है। किसान अपनी उन्हीं मांगों पे अड़े हैं कि इनको वापस ही लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। मैं रुक करना चाहूंगी, भास्कर आप बने रहे हमारे साथ। गोनिका कोर्ट से फिलहाल और क्या खबर आपको मिल पा रही है, क्योंकि भास्कर ने साफ बताया कि कमेटी से बातचीत के पक्ष में तो किसान पहले भी नहीं थे। देखिए, बिल्कुल, कोर्ट ने तो ये कह दिया कि हम इन कानूनों को जो लागू किया गया उस पर स्टे लगा देंगे, लेकिन उसका विरोध केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे अटॉर्नी जनरल ने किया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कोर्ट पे पेश हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, आप कमेटी बना दीजिए, दोनों पक्ष एक दूसरे से बातचीत, दोनों पक्ष उस कमेटी से बातचीत भी करेंगे और अपनी अपनी बात कमेटी के सामने रखेंगे भी, लेकिन आप इन कानूनों पर रोक ना लगाएं जो रोक आप लगाना चाह रहे हैं। इस पर जो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जो पेश हुए हैं, उन्होंने वो तमाम जो पिछली जजमेंट्स है जिसमें मराठा जजमेंट है, ये तमाम जजमेंट्स का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि हमें भी पता है ये जजमेंट क्या है, लेकिन ये इस वक्त जो बात है वो इन चीजों पर हो रही है कि आखिर बातचीत जो है वो किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, ऐसे में बातचीत बेनतीजा रही है और कोर्ट लगातार ये सवाल कर रहा है कि आखिर आपने बिना किसी ऐसे प्रोसेस के, बिना किसी तमाम राज्यों या किसानों से बातचीत किए हुए कैसे ये कानून बना दिया, किस तरह के कंसल्टिव प्रोसेस को फॉलो किया गया था, कौन सी ऐसी कमेटी से बात की गई थी। तो इसी में इस पर ही केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पिछली सरकारों की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उस पर उनकी तरफ से जो सजेशन दिए गए उसके आधार पर ये कानून बनाया गया है, लेकिन कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और अगर कहें तो आज कोर्ट पूरे इसी तरीके से, कोर्ट सिर्फ यही चाह रहा है कि एक कमेटी बना दी जाए, क्योंकि तमाम जो बातचीत पिछले कई राउंड की रही है, 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है, 47 दिन किसानों को बॉर्डर्स पर बैठे हुए हो चुके हैं, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है और कोर्ट इस मामले पे खुश नहीं है कि जो नेगोशिएशंस आप किसानों के सामने रख रहे हैं वो नेगोशिएशंस आखिर किसान क्यों नहीं मान रहे हैं और केंद्र सरकार कोई एफर्ट ज्यादा क्यों नहीं कर रही है। ऐसे में कोर्ट बिल्कुल इस मामले पर निराश है और केंद्र सरकार से बार बार आज जो सुनवाई हो रही है उसमें निराशा जाहिर कोर्ट की तरफ से की जा रही है। CJI लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से बातचीत हो रही है या फिर जो नेगोशिएशन किसानों के सामने रखी जा रही है वो नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, जिस तरीके से केंद्र सरकार इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है उससे कोर्ट बिल्कुल भी खुश नहीं है। पिछली बार भी केंद्र सरकार को वक्त दिया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से आज जो जवाब दायर किया गया है कि आखिर इन कानूनों पर रोक क्यों ना लगाई जाए, उस चीज से केंद्र सरकार, उस चीज से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमने आपको वक्त दिया था लेकिन जो आपका जवाब आया है उससे हम संतुष्ट नहीं है, ऐसे में हम नहीं चाहते कि इन कानूनों पर आशंका भी जाहिर की है कि हालात कहीं बद से बदतर ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बिल्कुल, कोर्ट क्योंकि लगातार ये भी चिंता जाहिर की है कि अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया, ये जो तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर इसमें किसी तरह की हिंसा होती है, किसी लोगों को, आम जनता को तकलीफ होती है तो उसको लेकर क्या होगा, इसको लेकर सवाल कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता है कि किसी के भी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें किसी के भी हाथों पर
पर खून लगे, ये जो स्टेटमेंट है ये सीजीआई की तरफ से दिया गया है। ऐसे में कोर्ट ये चाहता है कि जो तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये पूरी शांति से हो, किसी भी तरीके की हिंसा इन प्रोटेस्ट में ना हो, और कोर्ट यही चाहता है कि जो कमेटी बनाई जाए वो किसी नतीजे पर पहुंच पाए दोनों पक्षों से बात करके। लेकिन कानून तोड़ने की बात पर कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, किसी तरीके की हिंसा करता है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये एक तरीके से कहें राइट जो है वो सरकार को दे दिया गया है, ये तमाम राज्यों की जो पुलिस है उन्हें दे दिया गया है। ऐसे में ये जो बात है वो सरकार के पक्ष में है, लेकिन अधिकतर बातें जो है वो आज सरकार के पक्ष में नहीं दिख रही है, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वो इन कानूनों पर रोक लगा देंगे। ये जो तमाम कानून लागू किए गए हैं जिस पर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट अब पूरे मूड में है कि उन कानूनों पर और बड़ी बात सीजीआई की तरफ से जो कही गई है गौनिका कि सब कुछ एक ही आदेश से नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई आंदोलन ना करे, लेकिन आश्वासन कैसे मिलेगा कि ये आंदोलन स्थगित होगा या ये आंदोलन खत्म होगा? आश्वासन अश्योरेंस की भी बात की जा रही है। गौनिका जी, सुरभि जी, कोर्ट में सबसे बड़ी बात जो आज ऑब्जर्वेशन में ली जा रही है वो है ताजा हालात को लेकर, इसीलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि इस बात का आश्वासन कौन देगा, कैसे मिलेगा कि ये आंदोलन खत्म होगा या यहाँ सड़क पर डटे किसान हटेंगे, कब और कैसे? बिल्कुल, आश्वासन जो है वो किसान तो मांग ही रहे हैं केंद्र सरकार से, और वही क्योंकि कोर्ट का भी पहले यही से हमेशा से यही रुख रहा है, क्योंकि ये सुनवाई जो है वो लंबे वक्त से चल रही है, कोर्ट का यही रुख रहा था कि ये बातचीत, ये जो मसला है कि दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे से बातचीत करके ही हल करें। कोर्ट इस मामले में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले भी हिंट दिया गया था कि हम कमेटी बना देंगे, लेकिन तब भी इंतजार किया गया था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से बातचीत करें, और लेकिन क्योंकि तमाम बैठकें कोर्ट ने देखी है, तमाम बैठकों में जो नतीजे निकले हैं वो कोर्ट के सामने रखे गए। ऐसे में आप कोर्ट एक तरीके से कहें कि समझ चुका है कि अब दोनों पक्षों में बातचीत कर कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, और इसको लेकर कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि सरकार क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत करना चाहती है, वो चाह रही है कि किसान क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत करे, अपने तमाम जो मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रखे, लेकिन किसान मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, वो क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत नहीं करना चाहते हैं, उनकी सिर्फ यही मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। इसीलिए कोर्ट को ये लगता है कि जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे से कहें तो ऑपोजिट पोल्स पर चल रहे हैं तो आखिर किसी तरह का नतीजा कैसे निकल सकता है, और इसीलिए कोर्ट अब पूरे इसी मूड में है कि तीनों कानूनों को जो तीनों कानून लागू हुए हैं उन पर स्टे लगाया जाए और उसके बाद कोर्ट की तरफ से इस मामले पर कोई फैसला लिया जाए। लेकिन जिस तरह अभी क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि अगर कोई इस तरह की बात करता है, कोई इस तरह का कानून का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में आप हमें अधिकार दें ताकि हम भी कोई एक्शन ले सके, और इस पर सीजीआई ने कहा है कि हम इस अब ऐसे ना समझे जाए कि जो बने रहे हमारे साथ इस बड़ी खबर पर, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर पर अपडेट थोड़ी ही देर बाद।